दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक मिस्ट्री में। आज का टॉपिक है डायोड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड आज हम पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, बेसिक्स डायोड के, बेसिक्स डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड की कॉन्फ़िगरेशन और डायोड की डेटा सीट रिव्यू करेंगे। डायोड का कैसे सिलेक्शन करना है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए, उसमें हम डायोड के पैरामीटर्स देखेंगे कि कौन सा पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट रखता है डायोड को सिलेक्ट करने के लिए किसी सर्किट के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आपको वोल्टेज आपको चेक करना रहता है कि डायोड का कितना वोल्टेज सस्टेन कर सकता है, डायोड का करंट कितना रहेगा, कितने टेम्परेचर पर वर्क करेगा, ये सभी हम डायोड की डेटा शीट में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डायोड का इंट्रोडक्शन और उसका बेसिक्स बताऊंगा कि डायोड एक्चुअल में क्या है। तो सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ये डायोड का सिंबल्स इस तरीके का होता है। जो ये टर्मिनल होता है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोलैरिटी बोलते हैं, एनोड टर्मिनल बोलते हैं, और जो कैथोड टर्मिनल होता है वो निगेटिव पोलैरिटी होती है डायोड की। यहाँ पर जो मैंने फिजिकल डायोड बनाया हुआ है, एक्चुअली डायोड में कुछ देखने में ऐसा रहता है, ये जो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक कलर बैंड होता है। जो कलर बैंड होता है वो आपकी निगेटिव पोलैरिटी दिखाता है डायोड की, जो कि कैथोड होता है और ये एनोड होता है। मेरे पास एक डायोड है 1N4007 और हम बेसिकली उसी का रिव्यू करने वाले हैं। तो मेरे पास जो डायोड है मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके का कलर बैंड रहेगा डायोड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे एक कलर बैंड आप दिख रहा होगा आपको, और ये पॉजिटिव साइड है इसका। तो एक ये रेक्टिफायर डायोड है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे हम डायोड के एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये डायोड यूज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे एक ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, आप जानते हैं कि पीएन जो डायोड है वो पीएन जंक्शन से मिलकर बना होता है, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो ये पी जंक्शन जो है वो एनोड होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। पी के मतलब होता है कि होल्स, मेजोरिटी ऑफ होल्स होते हैं यहाँ पर, और एन का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स निगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे कुछ टर्म हम जो यूज करते हैं, वीडी जो इस डायोड को डिनोट करती हैं, कुछ टर्म्स हम यूज करेंगे, जैसे वीडी डायोड वोल्टेज, आईडी डायोड करंट, आईएस सेचुरेशन करंट। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि डायोड के एप्लीकेशंस क्या हैं। यहाँ पे डायोड के एप्लीकेशंस देखते हैं तो जो सेमीकंडक्टर डायोड्स यूज होते हैं, रेक्टिफिकेशन में यूज होते हैं, एसी टू डीसी रेक्टिफिकेशन, स्विचेस, वैरेक्टर्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर। डायोड कॉन्फ़िगरेशन थ्री टाइप्स की होती है, एक नो बायस होती है, रिवर्स बायस होती है और फॉरवर्ड बायस होती है। नो बायस कॉन्फ़िगरेशन में वीडी डायोड वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, करंट इज इक्वल टू जीरो। रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वीडी लेस देन जीरो, डायोड वोल्टेज लेस देन जीरो रहेगा, डायोड करंट इक्वल टू माइनस सेचुरेशन करंट। फॉरवर्ड बायस का देखें तो वीडी ग्रेटर देन जीरो एंड आईडी ग्रेटर देन जीरो मिली एम्पियर, यहां पे करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये डायोड को तीनों कॉन्फ़िगरेशन होती हैं, जिसमें डायोड हम फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं। अगर नो बायस है मींस डायोड इज स्टिल ऑफ, वीडी इज इक्वल टू जीरो, आईडी इज इक्वल टू जीरो। रिवर्स बायस में डायोड वोल्टेज इज लेस देन जीरो बट आईडी इज इक्वल टू माइनस सम सेचुरेशन करंट। डायोड के करंट देखेंगे कि डायोड का करंट क्या होता है। तो इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डायोड करंट विल बी आई इज इक्वल टू सेचुरेशन करंट ई की पावर बी अपॉन टी एन वी टी माइनस वन।
तो आई एस है सेचुरेशन करंट है, आई इज द डायोड करंट जो करंट फ्लो होने वाला है, और वी टी यहाँ टेम्परेचर पोटेंशियल के इंटू टी अपॉन क्यू, ये के यहाँ पे वोल्ट्समैन कांस्टेंट है और इसका जो वैल्यू होगा वोल्ट्समैन कांस्टेंट का होता है 1.38 इंटू 10^-23 जूल पर केल्विन। टी होता है यहाँ पे जो इक्वेशन में टी है, टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, तो 273 इक्वल टू केल्विन 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो जो टी की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस सपोज 25 डिग्री पे है या 27 डिग्री पे आप लेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 300 डिग्री सेल्सियस, 300 आपका टेम्परेचर रहेगा, 300 केल्विन, सॉरी केल्विन टेम्परेचर रहेगा क्योंकि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन में फाइंड करना है, तो ये 300 केल्विन आपका टेम्परेचर आएगा। तो यहाँ पे नाउ जो Q है, Q इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है, कितना वैल्यू होता है, 1.6 इंटू 10^-19। फ्रेंड्स यहाँ पर डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ये जो एक्स एक्सिस आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज रहेगा जो कि डायोड वोल्टेज है, यहाँ पे करंट रहेगा मिली एम्पियर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.7 से होके हमारा कर्व एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, इससे पहले कोई भी करंट नहीं बढ़ा। यहाँ पे 0.7 वोल्ट या उससे ज्यादा वोल्ट जब होता है तो डायोड कंडक्ट करना चालू कर देता है। तो डायोड कंडक्ट किस कंडीशन में करता है, जैसे ये जो है, ये जो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे आप देख रहे हैं, इतना जो एरिया है ये फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में आप देख सकते हैं कि डायोड आपका इस कंडीशन में रहेगा प्लस एनोड टर्मिनल माइनस कैथोड टर्मिनल। यहां पर वीडी इज इक्वल टू वीडी ग्रेटर देन जीरो एंड आईडी ग्रेटर देन मिली एम्पियर, जीरो मिली एम्पियर, आईडी ग्रेटर देन जीरो मिली एम्पियर, तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो गई। तो यहां पे जो करंट फ्लो होगा आईडी करंट फ्लो करेगा। दोस्तों यहां ये जो कंडीशन है आप देख रहे हैं, यहां पे ये जो पॉइंट है, जैसे अभी आप अपने कुछ पीछे जो देखा था बायसिंग जो पड़ी थी, नो बायस कंडीशन, ये वो पॉइंट है जहां पर डायोड नो बायस रहेगा, नो बायस कंडीशन में रहेगा। मींस यहां पर आप डायोड का वी डी इज इक्वल टू जीरो होगा एंड आई डी इज इक्वल टू जीरो होगा। इसी प्रकार जो रिवर्स बायस कंडीशन रहेगी, तो -10 वोल्ट -20 वोल्ट -30 वोल्ट एंड सो ऑन, यहां पे इस कंडीशन में, इस रीजन में डायोड रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस कंडीशन क्या थी, जहां पर डायोड का वोल्टेज लेस देन 0 वोल्ट हो एंड करंट जो डायोड का करंट है वो आपका लेस देन करंट इज इक्वल टू करंट इक्वल टू था माइनस सेचुरेशन करंट। माइनस सेचुरेशन करंट मींस सम पीको एम्पियर, मींस बहुत ही निग्लिजिबल करंट फ्लो होगा। तो हम यहां पे करंट को दिखा देते हैं, -10 पीको एम्पियर -20 पीको एम्पियर -30 पीको एम्पियर एंड -40 पीको एम्पियर। ये जो रीजन है ये माइनस रहेगा, ये प्लस एक्सिस है, ये माइनस एक्सिस हो गई, बाय एक्सिस हो गई। तो यहां पे जो सेचुरेशन करंट फ्लो होने वाला है रिवर्स बायस कंडीशन में बहुत ही निग्लिजिबल होगा। तो मैं आपको इसको ड्रा करके दिखाता हूं कि किस तरीके से वो करंट फ्लो करेगा।
बहुत ही निग्लिजिबल कंडीशन में ये जो करंट है ये सैचुरेशन करंट कहलाएगा जब डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा। फ्रेंड्स ये डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ है। फॉरवर्ड वोल्टेज जो है, फॉरवर्ड वोल्टेज की हम बात करेंगे तो सिलिकन डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज वी एफ इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का जीरो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट। तो दोस्तों ये सिंपल याद ऐसे रखा सकता है कि जी लेटर जो जर्मेनियम का जी लेटर है अल्फाबेट्स में पहले आता है तो जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होगा और सिलिकन का बाद में आता है तो 0.7 वोल्ट। यहाँ पर मेरे पास एक जनरल पर्पस रेक्टिफायर डायोड है जो कि डेटा सीट है उसकी। इसमें इस डेटा सीट में करीबन 7 टाइप्स ऑफ डायोड का डेटा दिया हुआ है, जैसे 1N4001 एक ही सीरीज है, 1N4002 1N4003 एक ही सीरीज के 7 डायोड्स हैं और इन डायोड की डेटा सीट है। इसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और डायोड का सिलेक्शन किन पैरामीटर के बेस पे किया जाता है। तो जो कि डेटा सीट में फर्स्ट जो उसका फीचर्स दिया हुआ है, लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, लो लीकेज करंट, हाई फॉरवर्ड सर्च कैपेबिलिटी, तो ये जो डायोड्स हैं उनकी कुछ फीचर्स बताए हुए हैं डेटा सीट में। नाउ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखते हैं, फ्रेंड्स प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो फर्स्ट आप देख रहे हैं IFAV फॉरवर्ड करंट 1 मिली एम्पियर, इस सभी डायोड की रेटिंग्स के लिए है 1 मिली एम्पियर। IF यानी फॉरवर्ड करंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर रेजिस्टेंस, इस आपका जो डायोड रहेगा, डायोड ये आपका डायोड है और यहां से जो करंट फॉरवर्ड करंट जो होगा IF इस तरीके से फ्लो करेगा। तो द नेक्स्ट जो VRRM ये जो आप देख रहे हैं यहां पर वोल्टेज 50 वोल्ट है, VRRM है मैक्सिमम रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज। VRRM यहां पर 50 वोल्ट फॉर 1N4001 डायोड के लिए है और 1N4002 डायोड के लिए 100 वोल्ट है। ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल के एक आपको टेबल दिया रहता है छोटा सा, तो इसमें जस्ट आपको कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स शो कर दिए जाते हैं, जैसे कि IFMS होता है कि पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट, मींस जो आपका डायोड है कितने पीक तक आपका सर्ज करंट के लिए कितना सर्ज करंट के लिए कैपेबल है ये डायोड दिखाता है। इसमें जो IFMS है पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट होता है 8.3 मिली सेकेंड के लिए हाफ साइन वेव के लिए होता है, मींस हाफ साइन वेव जो कि 25 हर्ट्ज की होगी, फुल साइन वेव आपकी हो गई है 50 हर्ट्ज के लिए, तो हाफ साइन वेव जो कि 25 हर्ट्ज के लिए है जो कि 8.3 मिली सेकेंड के लिए रहेगी सिंगल हाफ, तो वो कितने एम्पियर तक की हो सकती है, 30 मिली एम्पियर तक की हो सकती है, वो यहां पर दिखाते हैं। IFSM यहां पर साइन वेव है, यहां पर स्क्वायर वेव है, स्क्वायर वेव 1 मिली सेकेंड के लिए है जो कि 45 एम्पियर तक के लिए कैपेबल है ये डायोड। इसके बाद फॉरवर्ड वोल्टेज की डेफिनेशन है, द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टर्मिनल विच रिजल्ट फ्रॉम द फ्लो ऑफ करंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो फॉरवर्ड वोल्टेज वो वोल्टेज है
कि डायोड के अक्रॉस का वो वोल्टेज है जिससे डायोड कंडक्ट करना चालू कर देगा। जैसे अभी अपन ने देखा था कि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है, तो जब भी डायोड के टर्मिनल के अक्रॉस 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट जाएगा तो डायोड कंडक्ट करेगा। तो जो 0.7 जो हो गया, इसका फॉरवर्ड वोल्टेज हो गया VF=0.7 फॉर सिलिकॉन डायोड। तो इस 0.7 को जैसे ही क्रॉस करेगा, आपका डायोड कंडक्ट करना चालू कर देगा। इस टेबल में पैरामीटर्स की मैक्सिमम रेटिंग दी हुई है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगी उस पर है। तो जो ये जो सीरीज आप देख रहे हैं डायोड की, 1N4001 है, 2 4002 है, 4003 है, ये अलग अलग डायोड हैं जिनका जिनका RMS वोल्टेज, पीक रिपीटेटिव वोल्टेज एंड मैक्सिमम डीसी ब्लॉकिंग वोल्टेज डिफरेंट है। जैसे 1N4001 के लिए 50, 1N4002 के लिए मैक्सिमम रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज 100, 1N4003 के लिए 200, 1N4004 के लिए 400, 5 के लिए 600, 6 के लिए 800, 7 के लिए 1000, और इसकी यूनिट जो है वोल्ट है। यहाँ मैक्सिमम रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज जो आपको बताया था, VRRM सभी के लिए अलग है। जनरली 1N4007 जो यूज होता है ब्रिज रेक्टिफायर और जनरल पर्पस यूज के लिए, जिसका रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज 1000 होता है, ये जनरल पर्पस यूज होता है, जो कि आपने हमेशा देखा होगा। एक डायोड, जो डायोड देखे होंगे, उन पे 1N4007 रहेगा। इसके बाद मैक्सिमम RMS वोल्टेज, मैक्सिमम RMS वोल्टेज वैल्यू 35 है। इसके लिए 1N4002 के लिए 70 है, 1N4003 के लिए 140 है, 4 के लिए 280, 5 के लिए 420, 6 के लिए 560, 7 के लिए 700 वोल्ट होती है। मैक्सिमम डीसी ब्लॉकिंग वोल्टेज VDC सेम रहता है VRRM की तरह, यानी मैक्सिमम रिपीटेटिव पीक रिवर्स वोल्टेज की तरह रहेगा, बिल्कुल सेम है दोनों की वैल्यू, 50-50, और 1N4007 की देखेंगे 1000-1000, इसकी यूनिट भी वोल्टेज होती है। मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड रेक्टिफाइड करंट, मैक्सिमम एवरेज फॉरवर्ड रेक्टिफायर करंट क्या होता है, जो कि डायोड का फॉरवर्ड करंट रहेगा। तो ये है आपका फॉरवर्ड करंट, एवरेज फॉरवर्ड करंट रहेगा 1 एम्पियर, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। उसी तरीके से पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट 8.3 मिली सेकेंड सिंगल हाफ साइन वेव ऑन रेटेड लोड, यानी रेटेड लोड पे जो हाफ साइन वेव रहेगी उसका करंट रहेगा 30 एम्पियर, 30 एम्पियर, ठीक। नॉन रिपीटेटिव पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट स्क्वायर वेव फॉर्म, सर्ज करंट जो कि टाइम पीरियड उसका रहेगा 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड के लिए सर्ज करंट हो सकता है 45 एम्पियर, 2 मिली सेकेंड के लिए सर्ज करंट हो सकता है 35 एम्पियर, और टाइम पीरियड इसका 5 मिली सेकेंड के लिए हो सकता है 30 एम्पियर। तो ये सर्ज करंट का दिया हुए है 3 पैरामीटर। ये भी डायोड को सिलेक्ट करने के लिए सर्ज करंट बहुत ही हेल्पफुल होता है, सर्ज करंट देखना रहता है। जो मैक्सिमम फुल लोड रिवर्स करंट, फुल साइकिल, फुल एवरेज साइकिल, इसमें जब आपका डायोड, जब डायोड फुली लोडेड हो, जब डायोड फुल लोड हो, उस टाइम पर जो रिवर्स करंट होगा, रिवर्स करंट होगा वो 30 माइक्रो एम्पियर होगा, माइक्रो एम्पियर में आएगा। तो इस टाइम पर डायोड 30 माइक्रो एम्पियर रिवर्स करंट ड्रॉ कर सकता है। उसके बाद रेटिंग फॉर फ्यूजिंग, रेटिंग फॉर फ्यूजिंग अबव पावर मीन्स I²T, I²T कितना है इसका, 3.7 A²S मीन्स यहाँ पर ये कितने टाइम के लिए है, T=less than 8.3 मिलीसेकंड के लिए 3.7 I²T मतलब A²S हो सकता है।
ऑपरेटिंग जंक्शन एंड स्टोरेज टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर और स्टोरेज टेम्परेचर इन्हें बताया कि माइनस फिफ्टी डिग्री सेल्सियस से प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है फॉर डिवाइस यूजिंग ऑन ब्रिज रेक्टिफायर एप्लीकेशन। ये ब्रिज यहाँ पे नोट दिया है, ब्रिज रेक्टिफायर एप्लीकेशन के लिए ये डिवाइस यूज होते हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जहाँ पर एम्बियंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और अदरवाइज जो भी नोटेड रहेगा वो देखेंगे। यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज अगर टेस्ट कंडीशन इनने बोला है कि जब एक एम्पियर होगा, एक एम्पियर जब होगा तो फॉरवर्ड मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज उस टाइम रहेगा 1.1 वोल्ट वोल्टेज। यहाँ पर मैक्सिमम डीसी रिवर्स करंट एंड रेटेड ब्लॉकिंग वोल्टेज, ये अगर एम्बियंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो तो रिवर्स करंट होगा 5 माइक्रो एम्पियर होगा। और अगर एम्बियंट टेम्परेचर 125 डिग्री पहुंचता है तो ये ही करंट 50 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पर टिपिकल जंक्शन कैपेसिटेंस की बात करें तो टेस्ट कंडीशन में आएगा 4 वोल्ट जब हो और 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो, तब यही जंक्शन कैपेसिटेंस होगा 15 पिको फेराड। यहाँ थर्मल कैरेक्टरिस्टिक देखें, जो टिपिकली थर्मल रेजिस्टेंस है सभी डायोड का ये सेम है, तो आर थीटा जे ए 50 डिग्री सेल्सियस पर वॉट, यानी सभी डायोड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो 50 होगा। यहाँ पर आर थीटा जे एल वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट है। ये जो थर्मल रेजिस्टेंस का वन है, एक नोट हम पढ़ लेते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर जंक्शन टू एम्बियंट, ये जंक्शन टू एम्बियंट 50 डिग्री सेल्सियस पर वॉट होता है एट 0.375 या 9.5 mm लीड लेंथ और पीसीबी माउंटेड, और ये जंक्शन टू लीड है, जंक्शन टू लीड 25 होगा। ये जो फर्स्ट ग्राफ आप देख रहे हैं ये है फॉरवर्ड करंट डीरेटिंग कर्व, डीरेटिंग कर्व मीन्स टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करंट का घटना। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एवरेज फॉरवर्ड रेक्टिफाइड करंट है यहाँ पर, और यहाँ पर फॉरवर्ड करंट डीरेटिंग कर्व है, एम्बियंट टेम्परेचर है, यहाँ पर ये वाली एक्सिस पे एम्बियंट टेम्परेचर है। तो सपोज आपका एम्बियंट टेम्परेचर 25 डिग्री है, डायोड अगर 25 डिग्री एम्बियंट टेम्परेचर पर चल रहा है तो फुल करंट जो फॉरवर्ड करंट रेक्टिफाइड करंट रहेगा वो फुल 1 एम्पियर ड्रॉ करेगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो भी ये फुल करंट 1 एम्पियर सस्टेन करेगा। इसके बाद अगर 75 पे बढ़ता है तो जस्ट यहाँ पे ये डिग्रेड पॉइंट आ गया इसका, 75 से जैसे 80 एम्पियर होता है, सपोज 80 एम्पियर हमने यहाँ पे मान लिया है कि ये 80 एम्पियर है, तो कितना कम हुआ वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका करंट डिग्रेड हुआ है इतना, मीन्स 0.87 या 0.9 करंट मान सकते हैं कि मतलब 1 एम्पियर से 0.9 एम्पियर तक हम आ गए हैं, 1 एम्पियर से 0.9 मीन्स 0.1 एम्पियर कम हुआ। इसी तरीके से अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है डायोड का तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी 0.65 यहाँ पर डायोड करंट ड्रॉ करेगा तो 0.65 एम्पियर पहुंच जाएंगे। अगर ये 125 और 150 एम्पियर, सपोज 150 एम्पियर डिग्री सेल्सियस इसका एम्बियंट टेम्परेचर हो गया तो डायोड से ड्रॉ होने वाला करंट जीरो हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको यहाँ पर जो ऑपरेटिंग जंक्शन और स्टोरेज टेम्परेचर दिखाया तो जो मैक्सिमम है 150 डिग्री सेल्सियस था, तो 150 डिग्री सेल्सियस इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर,
तो जो भी डायोड का सिलेक्शन करते हैं तो हम सेफ्टी सेफ्टी मार्जिन रखते हैं कि 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ना पहुंचे। ये डायोड का कंडीशन दिया है कि ये 60 हर्ट्ज पर रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड पर टेस्ट किया जाता है, तो ये टेम्परेचर की कंडीशन और करंट की कंडीशन बनती है। यहाँ पर दूसरा जो ग्राफ दिया हुआ है, मैक्सिमम नॉन रिपीटेटिव पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट, सर्ज करंट जो कि रिपीटेड नहीं होता। इस ग्राफ में मैक्सिमम नॉन रिपीटेटिव पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट है जो कि मैक्सिमम वैल्यू उसका, ये एक्सिस पर, इस एक्सिस पर पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट, इस एक्सिस पर नंबर ऑफ साइकिल्स एट 60 हर्ट्ज है। यहाँ पे ये लॉगरिथम ग्राफ है, यहाँ पे लीनियर ग्राफ है। जब अगर जो नंबर ऑफ साइकिल्स, जैसे 10 साइकिल्स हैं, 10 साइकिल्स जब रहेगा तो उस टाइम जो पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट होगा, यहाँ पर मीन्स इसकी वैल्यू होगी 19 एम्पियर। और अगर यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम 30 एम्पियर, जो कि हमने प्रीवियस टेबल में देखा था कि ये 30 एम्पियर तक इसका पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट होता है। यहाँ पर जैसे जैसे जो नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे जो सर्ज करंट है उसकी सर्ज करंट घटता जा रहा है। जैसे 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो अगर हम यहाँ पर 40 पे हम जो देखते हैं, सपोज यहाँ 40 पे देखते हैं, 40 साइकिल्स पे क्या होता है, तो 40 साइकिल्स पे करंट इधर आएगा, मीन्स 13 और 14 एम्पियर करंट सर्ज करंट सस्टेन कर सकता है जब नंबर ऑफ साइकिल्स 40 हो। यहाँ पर ये जो 8.3 मिली सेकेंड सिंगल हाफ साइन वेव, ये जो हाफ साइन वेव की बात की है कि आपका जब इस तरीके का रहे और जो साइन हाफ साइन वेव रहे, जो पल्स है, यहाँ पर टेस्ट कंडीशन दी हुई है कि साइन जब हाफ साइन वेव हो जो कि 8.3 मिली सेकेंड की हो। ये फिगर नंबर 3 है जो नॉन रिपीटेटिव पीक फॉरवर्ड सर्ज करेंट है। ये वहां उस प्रीवियस ग्राफ में जो देखा था उसमें हाफ सिंगल वेव साइन वेव थी, यहाँ पर स्क्वायर वेव है जो कि टीपी, इसका स्क्वायर वेव का ऑन टाइम जो है 1 मिली सेकेंड रहेगा, 2 मिली सेकेंड रहेगा, 5 मिली सेकेंड रहेगा। इस एक्सिस पर पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट रहेगा। ये दोनों तरफ लीनियर ग्राफ हैं, यानी 25, 50, 10, 15, 20, इस तरीके का ये ग्राफ है। इस ग्राफ को रीड कैसे करेंगे कि जब एम्बियंट टेम्परेचर 25 है तो जब और पल्स का टाइम 5 मिली सेकेंड है तो उस टाइम पे सर्ज करंट 30 एम्पियर होगा। उसी तरीके से जब एम्बियंट टेम्परेचर 25 डिग्री है, पल्स ड्यूरेशन 2 मिली सेकेंड है, तो उस टाइम जो सर्ज करंट होगा 35 एम्पियर होगा। और अगर पल्स ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड है, एम्बियंट टेम्परेचर 25 है, तो सर्ज करंट 45 एम्पियर तक हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगर एम्बियंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस टाइम पे जो टाइम पीरियड 5 मिली सेकेंड की पल्स का करंट होगा 25 एम्पियर और बिलो 25 एम्पियर का। उसी प्रकार अगर एम्बियंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो जो टीपी 5 मिली सेकेंड, यानी पल्स का ड्यूरेशन है 5 मिली सेकेंड, उसका पीक फॉरवर्ड सर्ज करंट होगा 23 एम्पियर। पल्स ड्यूरेशन 2 मिली सेकेंड के लिए 100 डिग्री सेल्सियस एम्बियंट टेम्परेचर पर करंट होगा 30 एम्पियर करीब। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 एम्पियर, इस पॉइंट पर 30 एम्पियर के करीब करंट होगा। उसी तरीके से पल्स ड्यूरेशन 1 मिली सेकेंड के लिए, ये जो पल्स है 1 मिली सेकेंड पल्स है, उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जो करंट रहेगा वो 40 एम्पियर होगा। इस ग्राफ में फिगर नंबर 6 जो है टिपिकल जंक्शन कैपेसिटेंस है। इस ग्राफ में जो ये एक्स वाई एक्सिस बोल सकते हैं इसको, इस एक्सिस पर रिवर्स वोल्टेज दिखाया है और इस एक्सिस पर जंक्शन कैपेसिटेंस जो कि पीको फेराड में इसकी वैल्यू रहेगी।
तो यहाँ पर ये लॉगरिथम, दोनों लॉगरिथम एक्सिस हैं, लॉगरिथम ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि अगर 1 वोल्ट, ये जो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट पर आपका जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू करीब, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा 1 वोल्ट का वो रहेगा 20। दिस इज द पॉइंट, 20 पिको फेराड वैल्यू आएगी 1 वोल्ट पर। उसी तरीके से यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट का पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ होगा, 10 वोल्ट का पॉइंट यहाँ आएगा, तो यहाँ पर समथिंग 11 पिको फेराड जंक्शन का, 11 पिको फेराड कैपेसिटेंस होगा जंक्शन का कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस ये टेस्ट कंडीशन क्या है? टेस्ट कंडीशन है जंक्शन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी 1 MHz होना चाहिए, और ये पीक टू पीक वोल्टेज 50 mV पीक टू पीक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जंक्शन टेम्परेचर को हम इस ग्राफ से पिकअप कर सकते हैं। सपोज आपका रिवर्स वोल्टेज 100 वोल्ट है, अगर कोई डायोड आपको सिलेक्ट करना है जिसका रिवर्स वोल्टेज 100 वोल्ट है, और उसका हमको जंक्शन वोल्टेज फाइंड, जंक्शन कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो टिपिकल जंक्शन कैपेसिटेंस होगा उसका 100 वोल्ट पे। हम देखेंगे इस पॉइंट पे जाएंगे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे देखेंगे कि जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 पिको फेराड जंक्शन टेम्परेचर होगा फॉर 100 रिवर्स वोल्टेज डायोड के लिए। फिगर नंबर 4 जो दिया है वो इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है डायोड की। फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स मीन्स यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज दिखाया है, यहाँ पर फॉरवर्ड करंट दिखाया है। इंस्टेंटेनियस इसलिए लगाया है इसमें कि जस्ट जो आपका फॉरवर्ड करंट रहेगा, मतलब इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करंट रहेगा, तो इस पोजीशन पे 0.06 से फॉरवर्ड वोल्टेज से ये कंडक्ट करना चालू कर देगा डायोड। यहाँ पर जो एम्बियंट टेम्परेचर है, टेस्ट कंडीशन जो है, एम्बियंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, पल्स विड्थ जो रहेगी 300 माइक्रोसेकंड और 1% ड्यूटी साइकिल के लिए है। 0.7 वोल्ट जब होगा तो ये डायोड कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे सपोज देखते हैं कि 1.2 वोल्ट जो है, 1.2 वोल्ट पे हम कितना करंट ड्रॉ कर सकते हैं। फॉरवर्ड करंट अगर 1.2 वोल्ट हो गया डायोड का, तो कितना करंट ड्रॉ होगा इस पॉइंट पे, 1.2 वोल्ट पे करंट की वैल्यू इधर आएगी। तो इस पॉइंट पे हम करंट की वैल्यू देखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर सकते हैं अगर 1.2 फॉरवर्ड वोल्टेज होगा। वह जैसे कि हमने टेबल में जो देखा था, प्रीवियस टेबल में, कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज टेस्ट कंडीशन 1 एम्पियर है, तो 1.1 वोल्ट रहता है मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो इस ग्राफ में देखते हैं टेस्ट कंडीशन 1 एम्पियर पर, दिस इज अ 1 एम्पियर इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज, तो टेस्ट कंडीशन 1 एम्पियर है। इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज 0.9 वोल्ट आ जाएगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू उनने दिखाया प्रीवियस टेबल में, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड वोल्टेज जब करंट 1 एम्पियर होगा तो फॉरवर्ड वोल्टेज होगा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट का करंट होगा। बट ग्राफ में हमें कुछ और ही वैल्यू मिल रहा है, जैसे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करंट हमने लिया 1 एम्पियर का, तो हम अगर यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लेस देन 1 वोल्ट पर ही हम 1 एम्पियर मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट अचीव कर पा रहे हैं। यहाँ पर टिपिकल रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे डायोड की, कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या वर्क करेगा। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पीक रिवर्स वोल्टेज है, ये रिवर्स वोल्टेज आपको किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। इंस्टेंटेनियस रिवर्स करंट दिया है माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो
एम्पियर। यहाँ पे ये जो रिवर्स करंट है वो लॉगरिदम स्केल में दिया हुआ है और ये लीनियर स्केल में है। तो सपोज आप पीक रिवर्स वोल्टेज 40 डिग्री है, पीक रिवर्स वोल्टेज 40% पर है, 40% पर है, जंक्शन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रिवर्स करंट आएगा, समथिंग 0.09 माइक्रो एम्पियर। तो हम और आगे और अगर 100 डिग्री सेल्सियस जंक्शन टेम्परेचर है तो ये आएगा 2 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर 2 माइक्रो एम्पियर। और अगर जंक्शन टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो रिवर्स करंट आएगा उस टाइम पे 100 माइक्रो एम्पियर, जब 40% ऑफ पीक रिवर्स वोल्टेज होगा। उसी तरीके से आप 80% पे निकाल सकते हैं, 60% पे निकाल सकते हैं, 100% पे ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिगर नंबर 7 पे टिपिकली ट्रांजिएंट थर्मल इम्पीडेंस है, ये जो एक्सिस है टी पल्स ड्यूरेशन है और ये जो एक्सिस है ट्रांजिएंट थर्मल इम्पीडेंस डिग्री सेल्सियस पर वाट जो है। यहाँ पे दोनों स्केल लॉगरिदम स्केल हैं। तो सपोज हम 10 पल्स ड्यूरेशन पे चलते हैं, डायरेक्ट 10 पे इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पर ये पॉइंट पे हम देखते हैं कि थर्मल इम्पीडेंस कितना चेंज होता है। तो थर्मल इम्पीडेंस होगा यहाँ पर 10, 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस पर वाट, जब पल्स ड्यूरेशन 10। फ्रेंड्स, ये डेटा शीट का लास्ट पेज है। इस पेज में पैकेज आउटलाइन डायमेंशंस दिया हुआ है डायोड का। यहाँ पर डायोड का जो केस है उसका डायमेंशंस दिया हुआ है। इसके बाद लीड के इस पॉइंट से लेके लीड के इस पॉइंट तक का डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ पर हमने डायोड की डेटा शीट रिव्यू की है। इस डेटा शीट में हमने इलेक्ट्रिकली कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ्स और मैकेनिकली डायमेंशंस देखे हैं डायोड के कि क्या होते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप जो भी कंपोनेंट्स हैं डायोड के, अदरवाइज जो भी कंपोनेंट्स हैं आप उनके डेटा शीट रिव्यू कर सकते हैं। ये डेटा शीट इजीली अवेलेबल होते हैं जो आपके कंपोनेंट होते हैं उनकी साइट पर, और बहुत सारी जो ऑनलाइन साइट्स हैं वहाँ पर ये डेटा शीट अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आप जो टेबल में जो दिया होता है वैल्यूज, वो मैक्सिमम और कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू जो दिए जाते हैं, इसके अलावा जब आपको जो रियलिस्टिक कंडीशन, जो आपकी प्रैक्टिकल कंडीशन बनती है, आप ग्राफ के थ्रू वो रियल वैल्यू निकाल सकते हैं कि कौन सी किस वैल्यू का आपको डायोड यूज करना है। फ्रेंड्स, अगर डायोड के रिलेटिव या इस डेटा शीट के रिलेटिव जो भी आपको कुछ डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। इसके साथ आप अगर कुछ अलग कंपोनेंट्स की डेटा शीट रिव्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट करें, मैं उसकी डेटा शीट रिव्यू करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।